ए रेगुलेटर है और ये रेगुलेटर किसी प्रकार से लीक हुआ होगा और लीक होने के बाद ये देखिए कैसे जला है और इसी का शिकार उस दिन उस दिन उठी वो ऐसे रोज़ हका लेते थे लेकिन उस दिन हकाई भी नहीं उठी और पानी गर्म करने के लिए इस, इस किचन में हिल गया और गैस को वहाँ पर धराने के लिए गया गैस लीक था क्या था जैसे ही उसको जलाया कि धंधा गया वो इस्लामपुर से पटना कैसे एम्बुलेंस के द्वारा सरकारी एम्बुलेंस या फिर प्राइवेट सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा इस्लामपुर के सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा आप लोग गए थे सब उसको एकदम और उसके कहते हैं कि मोबाइल और गैस सिलेंडर बहुत ही काम की चीज है लेकिन अगर इसका उपयोग गलत तरीके से की जाए तो ये बहुत घातक साबित हो सकते हैं वही हुआ है मुजफ्फरा पंचायत के मुजफ्फरा गांव में हाँ ये एक मकान है और बीते 25 तारीख के रात को एक बूढ़ी माता खाना बना रही थी या फिर पानी गर्म कर रही थी उसी दौरान गैस का जो रेगुलेटर होता है वो लीक कर गया अब लीक कर गया तो वो झुलस गई और झुलसने के बाद उनका उचित इलाज के लिए शहर ले जाया गया लेकिन वहाँ पे ज़िंदगी और मौत के लड़ाई में वो जिंदगी का लड़ाई हार गई और उनका मौत हो गया यहाँ पे उनके परिजन हैं हम परिजनों से वार्तालाप करेंगे कि क्या हुआ था उस दिन क्या कर रहे थे कुछ जनप्रतिनिधि भी हम उनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे ये जो आ, क्या बोलते हैं कि स्वर्गवास हो गई उनके पति हैं क्या नाम हुआ दादा आपका राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र जी एक बात बताइएगा कि उस दिन क्या हुआ था और दादी कैसे कैसे मतलब क्या कर रही थी आ, सर यहाँ पर नीचे हम सोए हुए हैं भीतर में सोई भी पड़ी हुई थी और उसको सर बाहर से पानी ला कर दिया जाता था लेकिन ठंडा के चलते वो सर गर्म पानी करके पियाते थे हम लोग उसको।, उसको उस दिन उठी वो ऐसे रोज़ हका लेते थे लेकिन उस दिन हकाई भी नहीं उठी और पानी गर्म करने के लिए इस, इस किचन में हिल गया और गैस को वहाँ पर धराने के लिए गया गैस लीक था क्या था जैसे ही उसको जलाया कि धंधा गया वो उसके बाद इतना सर हक आया कि सूत्र लहार गलो जड़ से कंपल्सरी लेकर ओढ़े उड़े से मचे मुँह झाँपते मुँह झाँप के सर उघारे देखते कि लहार रहा समझे सर उसको तुरंत उसको मिलाए सर झाया उसको वो भी उठाते तो वो सर गिर गई वो कंबल से उसको झाँपे समुचे समुचे बदन उसको सर जल गया एकदम और उसके बाद फिर सर ठंडा तेल लगाया सर और उसके बाद लोग एक दो दिन बताए कि मोहमा धोने वाला पेस्टवा जो होता है उसको लगाइए सर दो फैलू था उसको लेकर रगड़े चलते सर उसको उठा के फिर अपने बेड पर बिछाए उसको पाड़े फिर उसके बाद फ़ोन किया पटना में था बड़का बच्चा उसके पास फ़ोन किया फिर वहाँ से एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया थी हॉस्पिटल में फ़ोन किया ही हॉस्पिटल में अब फिर कहा किया फिर यहाँ से टोटो तो तो करके से हॉस्पिटल ले करते फिर वहाँ से कहा गया कैसे गया फिर हम तो यहाँ फिर वहाँ से फिर उठा के ले पटना गया पटना गया पटना कम कैसे कैसे कौन अथी में ले गया ये सब आपके बच्चे को विशेष जानकारी होगा है ना वो बड़े बड़े भाई साहब हैं आप इधर आ जाइए थोड़ा सा इधर आ जाइए हाँ जैसे कि दादा बता रहे हैं कि उस दिन हम लोग इस्लामपुर अस्पताल ले गए उसके बाद पटना ले जाएगा क्या क्या हुआ था उस दिन कैसे हुआ था घर में जल यहाँ जल गई थी किचन में किचन के बाहर मैंने किचन से लहरते आए यहाँ के गिर गए यहाँ आके गिरे तो भाई हम थे ना भाई छोटा भाई ये देखा तो पूरा जल रहे थे कम्बल से बताया उसके बाद इस्लामपुर ले गया हम एम्बुलेंस के कॉल करके बुला ले बुलाए इस्लामपुर हॉस्पिटल वाला रेफर लिख दिए पटना पटना में ले गए पी एन एम में ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद वहाँ से रेफर लिख दिया पी एम में ट्रीटमेंट के दौरान डेट कर गई वहाँ अच्छा ये उस दिन थे घर में आप छो, छोटे भाई हैं आपका क्या नाम आदित्य रंजन आदित्य राज अध्य जी एक बात बताइए कि इस्लामपुर मतलब कि अस्पताल अपने माताजी को ले गए थे माताजी थे ना हाँ। माताजी ले गए थे तो वहाँ पे क्या बताया गया था डॉक्टर का डॉक्टर बोला कि ज्यादा शरीर जला हुआ है से करना पड़ेगा तो तुरंत रेफर कर दिए अच्छा पटना के लिए तो इस्लामपुर से पटना कैसे गए थे एम्बुलेंस के द्वारा सरकारी एम्बुलेंस या फिर प्राइवेट सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा इस्लामपुर के सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा आप लोग गए थे देखिए क्या बोलते हैं कि ये कौन सा कंपनी का था आपके पास एच था या एच का था अच्छा एच पी का था तो एच पी का था तो आप लोग शायद एजेंसी वगैरह भी कुछ मुआवजा वगैरह देते तो वहाँ पे गए आप लोग अभी तक तो नहीं गए थे हुँ. मगर सोच रहे हैं अभी नहीं गए हैं अच्छा अभी नहीं गए देखिए ये रेगुलेटर है और ये रेगुलेटर किसी प्रकार से लीक हुआ होगा और लीक होने के बाद ये देखिए कैसे जला है और इसी का शिकार उस दिन क्या नाम था दादी का चौरासो देवी चौरासो देवी मतलब कि झुलस गई और झुलसने के बाद उनको इस्लामपुर अस्पताल ले जाया गया इस्लामपुर अस्पताल में हालत नाजुक होने के वजह से उनको पटना रेफर कर दिया गया एन गए उसके बाद फिर एन से पी रेफर कर दिया गया उसके बाद से क्या बोलते हैं कि वहाँ पे इलाज हुआ और उसके बाद उनकी मौत हो गई महेंद्र यादव जी हैं जो कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं कैसे देखते हैं महेंद्र जी इस मामला को और शायद आपदा के तहत कुछ मुआवजा वगैरह भी मिलता आप लोग क्या कर रहे हैं हाँ हाँ घटना के बारे में हम जब सुने तब सी साहब को हमने फ़ोन किया था और सी साहब यहाँ भेजे भी थे अपने कर्मचारी को देखने के लिए और देख के लोग गए हैं और इनको आपदा के तहत मुआवजा मिलेगा सी साहब ने भी आश्वासन हमको दिया है और मैं पीड़ित परिवार को संतावना दिया और सरकारी मुआवजा जो होगा उसको दिलाने का भरोसा दिलाए हैं अच्छा आ, आ, खास वगैरह लिखवा लिए हैं अच्छा दरखास्त वगैरह अंचला अधिकारी को आप लोग देंगे इस्लामपुर के जो सी ओ साहब है हाँ, अभी जा के देंगे, कुछ प्रक्रिया होता होगा उसके बाद इन लोगों को पैसा मिलेगा मिल जाएगा सी ओ साहब बोले इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफ आई आने दीजिए हम दे देंगे उसके पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए और जल्दी मिल जाए अच्छा एक बात और जैसे की बता रहे हैं कि एचपी गैस के एजेंसी से इनका कनेक्शन था शायद एजेंसी वाले भी कुछ देते हैं मुआवजा वगैरह हाँ हाँ तो जो नियम है उसके अनुसार होगा हम एजेंसी वाला से भी बात करेंगे जहाँ भी जरूरत होगा पीड़ित परिवार के हम साथ खड़ा है दुख के घड़ी में हम सबरों मदद करेंगे अच्छा एक और मामला है आपसे मिलन नहीं हो पा रहा था लेकिन एक सवाल यह है कि गया रोड का कोई मामला है उसमें शायद आपके ऊपर एफ हुई है उसको कैसे देखते हैं अरे तो ये एफ आई आर साजिश के तहत लोग हमको दिलवा दिए थे राजनीति साजिश के तहत लेकिन हमको पुलिस पर भरोसा है नालंदा पुलिस पर एसपी साहब डीएसपी साहब थाना पर तमाम लोग पर भरोसा है और माननीय न्यायालय पर भी भरोसा है हमको है हमको न्याय मिलेगा आरोप से हम मुक्त होंगे निश्चित आरोप से मुक्त होंगे साजिश के तहत लोग दिए हैं मेरा नाम जिनका मुंह काला हो जाएगा हम आरोप से मुक्त होंगे मुझे विश्वास है पुलिस पर भी विश्वास है न्यायालय पर भी विश्वास है और ऊपर वाला पर भी विश्वास है कि हमको आरोप से मुक्त किया जाएगा देखिए पंचायत के मुखिया के प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं पिंटू जी पिंटू जी आपके पंचायत का मामला है और इस परिजन को परिजन के दुख के घड़ी में क्या कर रहे हैं देखिए हमारा तो परिजन क्या गांव घर क्या बात हमारा तो अपना समझिए चचेरा भाई है हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सी साहब से बातचीत करके जो मुआवजा आपदा के तहत आग जलने पर जल के मृत्यु होने पर मिलता है उस पर दिलाने का कोशिश कर रहे हैं बात हुआ है और सूचना दिए हैं मिलेगा गैस एजेंसी वाले से भी संपर्क वो भी संतावना दें कि मिलेगा और मुआवजा मिलेगा उम्मीद है मिलेगा अभी हम लोग काम धाम में व्यस्त हैं और ये जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आएगा उसके बाद मुआवजा मिलेगा देखिए यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगे हुए हैं पीड़ित परिजन के साथ कि किसी प्रकार से मुआवजा मिल जाए हाँ इसमें किसी प्रकार का क्या बोलते हैं कि घोटाला वगैरह ना हो जैसे कि कुछ पैसा मिलता है तो अधिकारी वगैरह डिमांड कर देते हैं कि इतना पैसा हमको दीजिए तब वो मिलेगा नहीं ऐसा बात नहीं है ऐसे में कोई एक पैसा नहीं लेते और सही ढंग से मुआवजा मिल जाता है आपदा से चार लाख रुपये इनको मिलेगा और पारिवारिक लाभ भी वीडियो साहब से निवेदन करके हम विषय दिलवाएंगे इसमें एक पैसा कहीं कोई न इनका खर्च नहीं होता है और सब देता है सही से ठीक है देखिए यहाँ पे आप आपके घर में भी गैस होगा और लगभग सभी के घरों में गैस होता है तो आप लोग अगर गैस यूज करते हैं तो इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है गैस यूज करने के बाद रेगुलेटर को एकदम सकुशल बंद करना ही होता है लेकिन कई लोग होते हैं कि रेगुलेटर को खुला छोड़ देते हैं उस दौरान अगर कोई चूहा काट दे या फिर किसी प्रकार से वो लीक हो जाए तो उस दौरान बहुत बड़ी घटना हो सकती है उस दिन भी हो सकता था इनके घर में भी हो सकता था सोचिए अगर गैस का सिलेंडर फटता यहाँ पे जितने भी आस पड़ोस के जो मतलब कि घर हैं मोहल्ले के लोग हैं उनके ऊपर क्या बीता लेकिन गलीमत यह है कि सिर्फ दादी झुलसी लेकिन इस दुख के घड़ी में हम परिजनों के साथ हैं जो भी आ, क्या बोलते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं वो भी कह रहे हैं कि जो भी उचित मुआवजा मिलता है वो हम लोग दिलवाएंगे इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक धन्यवाद